सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप इस चीज पे गौर करके चलिए, जो परिचित मित्र घनिष्ठ आपका रिश्तेदार कोई भी हो, किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी हो, अगर आपके किसी भी प्रकार की छोटी छोटी भी बात में समस्या में आपके लिए सदैव तत्पर रहे, जिंदा दिल के साथ, जिंदा दिली के साथ, सदैव तत्पर का अर्थ क्या है कि वो प्रयास करे, आपको मालूम ही ना पड़े, वो आपके लिए, आपके हक में, आपके अच्छे के लिए वो प्रयास खुद ही करता रहे, या आपसे बात मालूम पड़ी किसी से भी तो आपके लिए प्रयास करे, वो चाहे दूर बैठा हो चाहे नजदीक बैठा हो, आपसे फोन पे चला चला के आपको सलाह दे, आपको समझाए, ऐसा नहीं ऐसा, जो भी कुछ हो, मतलब इसी प्रकार से नजदीक है, एक ही जगह रहते हैं तो वो आपके पास आए भी, इसको बोलते हैं वो व्यक्ति वास्तव में आपका हितैषी, आपके हक में, आपकी खुशियों के लिए, आपके अच्छे के लिए, जो अच्छे अच्छा कर सकता है वो आपसे, वो उसके पास जो सोर्स है, जो उसके हाथ में, वो करे, उसका प्रयास दिखे, उसके भाव दिखे, सब कुछ हो। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो व्यक्ति आपके चाहे कितना ही नजदीक रहता हो, आपको कितना ही आपको अपना मानता हो, या वो रिश्तेदार कोई, फिर भी कम पड़ोसी यार दोस्त कोई भी हो, परिचित आदि, तो वो फिर आपके हक में नहीं है, वो कहीं ना कहीं या तो बहुत गहरा छुपा रुस्तम है, ठीक ना, घुन्ना है, जो केवल आपसे बात तो बहुत अच्छी करता है लेकिन आपके हक में नहीं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, या फिर उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है आपके प्रति, किसी भी ढंग से हो सकती है, वो आपके किसी भी अच्छे कृत्य को देख के उसके चेहरे उतर जाते हैं, चुप लगा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए वो नहीं करते हैं, या फिर केवल उसमें तीसरा व्यक्तित्व तो होता है जो बहुत दिमागदार होते हैं, दिमागदार तो ये दोनों भी हैं, दोनों कैटेगरी के, लेकिन तीसरा भी दिमागदार होता है, वो चाहे घुन्ना हो चाहे नहीं हो, चाहे ईर्ष्यालु हो चाहे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो केवल दिमाग से चलते, वो केवल अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहते, उनका मुद्दा होगा तो आपको फोन भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, सारी चीज होगी, आपके पास आएंगे किसी और बहाने से, फिर आखिर में एक बात अपनी रख देंगे, आप भी समझोगे, फोन पे बात करेंगे, पहले इधर उधर की बात करते हैं, फिर एक बात आपकी आखिर में रख देंगे, तो फिर आप बताओ कितने दिमागदार व्यक्ति है वो है, आपको आप फोन आपसे हर तरह का काम करवाएंगे लेकिन आपको रिस्पांस नहीं देंगे, उसमें भी किंतु परंतु किए रखेंगे, ऐसे व्यक्तियों क्या आप इनको हितैषी मानते, नहीं ये हितैषी नहीं हो सकते, ये बस केवल मुंह दिखाई लोग हैं जिनको अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए और कुछ नहीं, तो मैंने आपको दोनों तरह से आपको बता दिया हितैषी कौन मंगल कामना।